जय हिंद प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसमें कहा गया है कि एक लड़का 10 रुपए के 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपए के 10 केले की दर से बेचता है, लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है। तो मैं प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना है, हमें आपको मालूम है कि हम लोग जो है इसको इस रूप में एम रुपए में एन वस्तु खरीद कर, ठीक है, और x रुपए में यदि हम y वस्तु बेचते हैं, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आ जाए, m रुपए में n वस्तु खरीद कर, ठीक है, और यहां पर x रुपए में y वस्तु बेच दी जाए, ठीक। अब यहां पर प्रतिशत लाभ या हानि, तो इसको हम गुणा करेंगे, n इंटू एक्स माइनस m इंटू वाई अपॉन में एम वाई और मल्टीप्लाई बाई 100 अगर आप कर देते हैं, अगर उत्तर प्लस में आता है तो आपको लाभ होगा, अगर उत्तर माइनस में आता है तो आपको हानि होगा। तो सेम टाइप का प्रश्न है, यहां पर दिया है कि भैया 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तु बेची जाती है, 11 × 11 माइनस में 10 × 10, ठीक है, और यहां पर बटे में 100, ठीक है, और गुणे में भी 100 हो गया, 11 क्रम में 121 और माइनस में 100 और बटे में 100 गुणे में 100, तो भैया 100 से 100 कट गया, 121 में से 100 घटा दो कितना आ गया 21%, और आपका उत्तर किसमें आ रहा है प्लस में, इसका मतलब उसको 21% का लाभ होगा। यहां पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।